हेलो एंड वेलकम गाइस वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू और मेरा नाम है कुश पांडे आपका स्वागत है तहे दिल से हमारे शो में दैट इज द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू गाइस तो चलिए शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं सबसे पहले हमें हम आपको हमारे आज के मोटिवेशनल कोड पर जो कि ये रहा आपके सामने वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट अगर आपको कोई महान काम करना है चाहे वो कितना भी छोटा काम हो पर अगर आपकी वो हैबिट नहीं है अगर आपका वो एक रेपटेशन uh, नहीं है लाइफ में तो वो आपकी ना तो हैबिट बनेगी और ना ही उसमें आप सक्सीड या एक्सेल कर पाएंगे नाउ दिस ग्रेट कोटेशन हैज़ बिन गिवन बाय एरिस्टोटल और जो बुक जिससे कि ये रिलेटेड है जिसको मैं आजकल पढ़ रहा हूँ दैट इज़ द पावर ऑफ हैबिट वाई वी डू वॉट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस तो चलो शुरू करते हैं आई होप आप सब ने जो लाइक like बटन है वो दबा दिया होगा एंड जो लोग नए आए हैं दे माइट हैव ऑल्सो सब्सक्राइब्ड टू आई यूट्यूब चैनल तो चलिए शुरू करें एंड ले चलें आपको हमारे आज के हेडलाइंस पर तो ये रहा आपके सामने हमारा पुराना मेथड एंड दिस इज़ द पेपर गाइज जो जिससे कि हम इन करंट अफेयर्स को लगातार लेते हैं सो so ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर एंड दीज आर द पेज नंबर्स जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं सो स्टार्टिंग फॉरवर्ड हम फोकस करेंगे ऑन पेज नंबर वन विच टू हेडलाइन सेवन टूर्टीन पर फोर वी हैव थ्री फाइनेंशियल टर्म्स फिर uh, आज हमारे तीन बर्निंग इशूज हैं जिनमें पहला है uh, दिखाते परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दूसरा है ई वी एम दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड लास्ट वाला जो आपका है दैट इज़ पी सी आर जो कि है पब्लिक रजिस्ट्री सो ओवरऑल बात करें तो ये आपके सामने हमारे हेडलाइंस हैं विल स्टार्ट विथ पेज वन देन सेवन देन थर्टीन फिफ्टीन एटीन थ्री फाइनेंशियल टर्म्स बर्निंग इशूज पी सी आर ई वी एम एंड देन वी हैव पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री तो चलो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको हमारा आज का फर्स्ट हेडलाइन जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा मोदी जी ओपन्स वॉर मेमोरियल हिट्स आउट एट कांग्रेस ऑन रफाल जो मोदी साहब हैं Uh, उन्होंने uh, जो एक वॉर uh, मेमोरियल है जिसकी इमेज आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है दिस इज़ द इमेज गाइस इसको दोस्तों लॉन्च uh, किया इन न्यू दिल्ली एंड उन्होंने कांग्रेस पे भी uh, कई तरह के हमले uh, दोस्तों फोकस किए पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो द नेशनल वॉर मेमोरियल हैज़ बीन सेटअप इन न्यू दिल्ली यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स को आपको याद रखना है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको ज़रा जूम कर दें द नेशनल वॉर मेमोरियल हैज़ बीन सेटअप नियर नियर द इंडिया गेट एंड इट इज़ इन

करने जा रहे हैं एंड ये रहे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनोग्रेटेड द नेशनल वॉर मेमोरियल नियर द इंडिया गेट

करोड़ और अगर हम यहां पर बात करें तो जो इसके आर्किटेक्ट हैं उनका नाम आपको देखना पड़ेगा दोस्तों उनका जो नाम यहाँ पर है वो है मिस्टर योगेश आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट योगेश चंद्र हसन ये आ, इसके आर्किटेक्ट हैं और 1960 में 1960 में दोस्तों आ, इसको एक तरह से आ, दिस वाज बेसिकली सजेस्टेड तो ये हमारी आज की फर्स्ट हेडलाइन है आइए इसका हिंदी भी देख लेते हैं एंड इसका जो हिंदी मैंशनड है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ऑलरेडी uh, मैंशन किया गया होगा वन सेकेंड यस इसका हिंदी भी आप दोस्तों स्क्रीन पर फिलहाल देख सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे एंड जो अगली खबर है गाइज दैट विल फोकस ऑन द ऑस्कर्स इन द शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंड इंडियन बेस्ड मूवी एक ऐसा इशू है जो इंडिया में काफ़ी रैम्पन्ट है काफ़ी ज़्यादा uh, आपका uh, आपका uh, फैला हुआ है दैट इज दी टॉक अबाउट मैंस्योल साइकिल ऑफ वुमेन जो पीरियड्स uh, हैं उनके बारे में में जो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसको मिला है इस बार ऑस्कर एंड दैट इज समथिंग ऑफ अ वेलकम साइन फॉर इंडिया की जो इश्यूज हैं जिस पे कि इंडिया भी बहुत सीरियस है उस पर एक ऑस्कर इंडिया बेस्ड मूवी को मिला है बट अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ क्योंकि मैं इस पर एक स्पेशल शो आज आपके लिए लाऊंगा ऑन ऑस्कर्स पर अभी फिलहाल एक ब्रीफ मैं आपको दे दूँ कि ऑस्कर्स में क्या क्या रहा तो जरा आप स्क्रीन पर दिखा दें ये है हमारे ऑस्कर्स के बारे में जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ गए इसको जरा इस पर्टिकुलर चीज को जूम कर दें आ, मेरे को हटा के Yeah. <laughs> फॉर एग्ज़ाम्पल एल्फ़ोज़ो कुअरॉन जो है अल्फ़ोज़ो कुअर जो हैं जो कि डायरेक्टर हैं सर जूम करना पड़ेगा सबको जो अल्फ़ोंज़ो कुअन है आ, उनको दोस्तों यहाँ पर मिला है ऑस्कर एंड उनकी मूवी जो है रोमा विच इज़ बेसिकली जो कि नेटफ्लिक्स पे आपकी पब्लिश हुई थी उस आ, उस मूवी को मिले हैं थ्री अवार्ड्स इंक्लूडिंग द बेस्ट डायरेक्टर अलॉन्ग विद सॉरी इंक्लूडिंग द बेस्ट डायरेक्टर अलॉन्ग विद टू अदर अवार्ड्स उसके अलावा बात करें तो इनको आप देख सकते हैं इनका नाम है रामी ही हैज़ मेलिकवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एंड ये मिला है इनको फॉर द मूवी इसके लिए दोस्तों इनको ये अवार्ड मिला है देन वी हैव बेस्ट एक्टर इन इन अ फीमेल रोल एंड इट हैज़ बिन अवॉर्डेड टू ओलिविया कोलमन जिनको ये मिला है फॉर द मूवी द फेवरेट आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इमेज जो है दिस इमेज इज बेसिकली ऑफ मिस्टर अल्फोंसो कुअन जिनको की uh, मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सिमिलरली ये स्क्रीन पे एक और इमेज है आपके सामने दैट इज ओ महर्शाला अली ही ही हैज़ वन हिज सेकंड कज्यूटिव ऑस्कर पहले इनको मिला था ऑस्कर फॉर नहीं दिख रहा बच्चों को पहले इनको मिला था ऑस्कर फॉर द मूवी मून लाइट और अब जो इनको मिला है ऑस्कर दैट हैज़ बिन दैट हैज़ बिन गिवन फॉर द मूवी फॉर द मूवी आई कैन रिपीट ग्रीन बुक सिमिलरली बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल हैज़ बिन गिवन टू रगीना किंग फॉर द मूवी इफ़ इफ बील स्ट्रीट को टॉक देन कुछ और अवार्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट म्यूजिक मिला है टू ब्लैक पैंथर देन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन ए लॉन्ग सीरीज मिला है आपका फ्री सोलो को तो जरा वापस अब स्क्रीन पे आते हैं और इसका एक इमेज अब आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा एंड यह रहा आपके सामने इमेज दोस्तों बेस्ट एक्टर अवार्ड टू रामी मैलिक बेस्ट एक्टर फिन फीमेल अवार्ड टू ओलिविया कोलमन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म शॉर्ट फीचर फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस डॉक्यूमेंट्री फ्री सोलो बेस्ट म्यूजिक लुडवेग ग्रैंड सम फॉर ब्लैक पैथर बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग मार्शाला अली एंड वेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल चलो आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा वापस हम हम इसको discuss करेंगे करेंगे में जब हम, uh, आज ऑन ऑस्कर्स अवार्ड को या उस पर्टिकुलर uh, वीडियो को आप बिल्कुल देखिएगा अगर यहां तक क्लियर इफ दिस इज क्लियर टू एवरी वन प्लीज कमेंट कर दीजिए टू एवरी वन जल्दी से लिख दीजिए वन राइट वेल आकाश आकाश डू नॉट गेट वरीड इस पर जब मैं एक शो लाऊंगा तो उस पर याद करना और आसान हो जाएगा ठीक है चल आगे बढ़ते हैं दोस्तों पहले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे जो कि आप आपके सामने आएगी ये जो खबर है दोस्तों इट इज़ मैंशन ऑन पेज नंबर सेवन ये खबर जो आपकी है ये पेज नंबर सेवन पे आपको हम मेंशन करेंगे एंड ये रही दोस्तों वो खबर इसको हम आराम से जूम कर सकते हैं बाबा रामदेव जो हैं ही माइट भी ये खबर हाँ ये रही ये रही ये खबर बाबा रामदेव जो हैं ही माइट बी द फर्स्ट हेड ऑफ द वैदिक एजुकेशन बोर्ड जो पहली आपकी वैदिक एजुकेशन बोर्ड की बॉडी है उसके पहले जो हेड रहने वाले हैं उनका दोस्तों जो नाम है दैट इज बाबा रामदेव एंड इस बोर्ड का नाम होगा द बोर्ड ऑफ वैदिक एजुकेशन इसके लिए जो uh, पतंजलि ट्रस्ट है and they have agreed to a funding of rupees 21 crore so uh, if, if we if we uh, basically get an idea then uh, Baba Ramdev jo he will head the first Vedic education board and uh, the lobbying or the funding has been done by his company by his NGO or by his trust called as Patanjali trust and they have provided Rs. 21 crore rupees there will be only one question that question will be who will be the head of the first Vedic Education Board of India the answer of that क्वेश्चन विल बी इट इज बाबा रामदेव वो इसके दोस्तों यहाँ पर हेड होंगे ठीक है ये जो खबर है पेज नंबर सेवन पे और जो लोग डाउट करते हैं कभी कभी पेपर से नहीं पढ़ाते डायरेक्टली हम पेपर से ही आपको पढ़ा रहे हैं स्क्रीन पे आते, तब तक मैं तब तक आप दूसरे हेडलाइन पर जूम कर दीजिएगा दूसरा हेडलाइन दोस्तों आपके सामने यह है दोस्तों नेक्स्ट हेडलाइन दट विल फोकस ऑन इंप्रूविंग ऑर मेकिंग इंडियन रेलवे मच मोर ट्रांस कैसे हम जो रेलवेज हैं उनको और ट्रांसपेरेंट बना सके दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट यू कैन नाउ चेक ऑनलाइन हाउ योर ट्रेन मील इसको वापस ट्रेन पे तो राइट पर आते हैं दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बनता है कि मेनी टाइम्स वी वंडर वॉट आर फूड माइट बी लाइक कैसा हमारा खाना होगा हम सोचते हैं बार बार कि खाना हमारा कैसा होगा कितना अच्छा होगा कितना खराब होगा तो उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है एंड बाई है दैट ऑनलाइन पोर्टल एनी पैसेंजर्स कैन चेक फॉर हाउ दे मील इज डन कैसे उनका जो मील है उसको बनाया दोस्तों यहाँ पर पर जा रहा है तो जरा स्क्रीन दिखा दें नाउ चेक ऑनलाइन हाउ योर ट्रेन ये दिखा दो फिर से नाउ योर ट्रेन मील इज ये चेक करें ऑनलाइन कि कैसे आपका जो ट्रेन मील है उसे कुक किया गया है इसके लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका नाम है रेल दृष्टि डॉट सी आर आई एस डॉट ओ आर जी डॉट इन

न्यू डैशबोर्ड है दिखा दोड बिन लॉन्च बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सी आर आई एस एंड इसका जो एक आपका एक आईडी है दैट आई डी इज डब्ल्यू 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 डॉट रेल दृष्टि रेल दृष्टि डॉट सी आर आई एस डॉट ओ आजी डॉट इन यू कैन फाइंड अबाउट मूवमेंट ऑफ ट्रेन अक्रॉस द कंट्री ट्रेन पंचुअलिटी माल भाड़ा जिसे फ्रेट कहते हैं पैसेंजर अर्निंग्स फ्रेट लोडिंग कितना ज्यादा माल भाड़ा आपका लोड हो रहा है प्रोग्रेसिव मेजर मतलब कई तरह से जो इंडियन रेलवे उसको उसको क्लियर करने के लिए या उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसे यहाँ पर बनाया गया है दिस पर्टिकुलर पोर्टल इज एम्ड एट मेक इंडियन रेलवेज मोर ट्रांसपेरेंट ये एक फरमा दिया है बाय पीयूष गोयल हु इज़ द यूनियन रेलवे मिनिस्टर उन्होंने ही कहा कि इसका मेन रोल जो है वो है टू मेक इंडियन रेलवेज मच मोर ट्रांसपेरेंट ऑल राइट इसका हिंदी जिनको चाहते हैं उसका हिंदी भी देख सकते हैं इसका वन सेकेंड ठीक क्या इसका हिंदी ये रहा आपके सामने तो दोनों ही चीज़ें आप देख सकते हैं ऑल राइट right. चलो आगे बढ़ते हैं एंड अब आगे ले चलते हैं दोस्तों एंड जो नेक्स्ट हमारी खबर है दैट खबर इज ऑन पेज नंबर थर्टीन अगली खबर जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी पेज नंबर थर्टीन पर ओके बिफोर शोइंग यू इसको इसको दिखाना है सर इसको ज़ूम कर दीजिएगा बिफोर शोइंग यू दिस हेडलाइन गाइस

इट कैन फॉलो द आर बी आई रेट्स फॉर फॉर एग्जाम्पल इट कैन फॉलो द रेपो रेट इस इट कैन फॉलो द रिवर्स रेपो रेट इट कैन फॉलो द एम एस एफ रेट और इट कैन डिसाइड बाई इट्स ओन बात समझिएगा फिर से या तो बैंक लैंडिंग रेट खुद डिसाइड करेगा या फिर वो जो आर बी आई का रेट है उससे ही अपने रेट को लिंक कर देगा इफ बैंक डिसाइड्स द रेट बाय इट्सल्फ अगर एक बैंक अपने हिसाब से रेट को डिसाइड करता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट आल अगैन रिपीट एवरी अगर एक बैंक अपने आप से एक मेथड से डिसाइड करता है रेट कितना होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बट इफ द बैंक लिंक्स इट्स लैंडिंग रेट विथ आर बी आईज लैंडिंग रेट्स दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स समझते रहिएगा ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस दर पर लोन दिया जाएगा जिस रेट पर लोन दिया जाएगा अगर उसे लिंक किया गया विथ अ इंटरनल मेथड दैट विल बी कॉल्ड एज अ इंटरनल बेंचमार्क रेट और अगर उसी लेंडिंग रेट को लिंक किया विद आर बी आई दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल बेंच मार्क रेट नंबर टू नंबर एम सी एल आर एंड एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल बेंच मार्क रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल बेंच मार्क रेट सो नाउ फ्रॉम अप्रैल वन अकॉर्डिंग टू अ गाइडलाइन बाय द आरबीआई every bank has to follow external benchmark rate. उन्हें या तो repo rate पे follow करना होगा या उन्हें जो treasury bill का rate है उसको follow करना होगा या वो सारे rates जिसको कि RBI ने publish किया है उस पर फॉलो करना होगा तो ये बजा स्क्रीन पर दिखा दें ये रहा आपके सामने पहले ऊपर दिखा दें बैंक में सेट रेपो रेट एज अ बेंच जो बैंक है वो आगे चलकर जो रेपो रेट है उसे एज अ बेंच मार्क सेट तब तक आप इसको जूम कर दें तब तक आप स्क्रीन पर आ जाए देखिए रेपो रेट क्या होता है रेपो रेट इज़ बेसिकली द रेट एट विच द आर बी आई लेंड्स द बैंक्स इन एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर अप टू नाइन्टी डेज अलग रिपीट गाइज रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आर बी आई बैंक्स को लैंड करता है नाइंटी डेज तक जिसके एक्सचेंज में इट परचेज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ So, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो लेंडिंग रेट है बैंक का दैट शैल बी डिसाइडेड बाय द रेपो रेट जो स्क्रीन पर दिखा दें फर्स्ट पैराग्राफ मोस्ट कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर लाइकली टू लिंक द एक्सटर्नल बेंच मार्क रेट टू डिसाइड द लैंडिंग रेट इसके लिए वो रेपो रेट को चुन सकते हैं रेपो रेट इज द मेन पॉलिसी रेट ऑफ द आर दोस्तों यहाँ पर इसका फायदा क्या होगा इसका फायदा होगा टू इंप्रूव मॉनिटरी ट्रांसमिशन वापस अगर स्क्रीन पे आ जाए तो देखिए दोस्तों दो की आ गए हैं एक रेपो रेट आ गया है दूसरा आपका आ गया है मॉनिटरी ट्रांसमिशन इसको लिखते रहिएगा बिकॉज इसको एंड में डिस्कस करेंगे कि बाय अप्लाइंग रेपो रेट एज द लिंक रेट दे आर ट्राइंग टू हैव अ बेटर मॉनिटरी ट्रांसमिशन अब ये वर्ड क्या होता है इस पर हम आगे आएंगे पर अभी के लिए याद रखिएगा कि द लॉजिक बिहाइंड द रेपो रेट इज टू इंप्रूव मॉनिटरी ट्रांसमिशन इसका दोस्तों मतलब ये भी होगा इसका दोस्तों मतलब ये भी होगा कि जो आपका जो आपका एक्सटर्नल रेट है जो आपके एक्सटर्नल रेट है उस पर ही फॉलो किया जाएगा अब आपका जो एमसीएलआर है उसको दोस्तों यहां पर फॉलो नहीं किया जाएगा एमसीएलआर बेसिकली स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट इस पर डिस्कस करेंगे आगे. अभी जो रेपो रेट है, अभी रेपो रेट है वो पर रखा गया है ओके देरवर फोर ऑप्शन चार ऑप्शन आपके दोस्तों कहे गए थे इसको जूम कर दे आपके पहला ऑप्शन था रेपो, रेपो रेट आ, पहला ऑप्शन था रेपो, रेपो रेट ठीक है पहला ऑप्शन था रेपो, रेपो रेट सेकेंड ऑप्शन था नाइन्टी वन डे ट्रेजरी बिल रेट थर्ड ऑप्शन था वन टू डे टी बिल रेट और एनी रेट प्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंशियल बेंच मार्क्स लिमिटेड तो ये एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव हेडलाइन थी वापस स्क्रीन पे आते हैं और जरा अब ले चलें आपको हमारी उस हेडलाइन पे जो कि ये रही आपके सामने स्क्रीन पे दिखा दें मोस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया आर लाइकली टू सेलेक्ट आर बी आईज लेंडिंग रेट दैट इज रेपो रेट एज ए एक्सटर्नल बेंच मार्क रेट ये आपका अप्रैल वन से एप्लीकेबल होगा

एवरी वन अगर क्लियर है प्लीज कमेंट कर देना वन अगर नहीं क्लियर है कमेंट कर देना टू पर इफ दिस इज क्लियर एवरी वन हैज कमेंट वन जल्दी से जल्दी से अक्षय मिश्रा डो नॉट गेट वरी तीन टाइम तें तो डिस्कस करूंगा आज एंड ऑफ द क्लास में चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी खबर है दैट इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग दोस्तों एक वर्ड आता है एंड एंड दैट वर्ड इज पीपीआई वो वर्ड क्या होता है दैट वर्ड इज पीपीआई जिसका फुल फॉर्म है प्री पेड इंस्ट्रूमेंट्स क्या वो फुल फॉर्म है प्री पेड इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है नाउ वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्री पेड इंस्ट्रूमेंट्स दीज आर डेबिट कार्ड्स मोबाइल वॉलेट्स पेपर वाउचर्स एनी थिंग दैट यू नीड टू पे ओनली देन दे विल बी यूज फॉर एक्सचेंज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या फिर अगर आपके मोबाइल वॉलेट फॉर एग्जांपल पेटीएम मोबीक्विक इनमें पैसे नहीं हैं आप यूज uh, उसका नहीं कर सकते सो ऑल दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑनलाइन और इन फिजिकल विच इन्वॉल्व प्रीपेड इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट प्रीपेड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैलेंस फॉर दे यूसेज सच इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड एज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आसान भाषा में ऐसे चीज़ें चाहे वो वॉलेट के तौर पे ऑनलाइन हो पेटीएम के तौर पर या फिर एक डेबिट कार्ड के तौर पे हो जिनमें पैसे होने चाहिए जिसका इस्तेमाल आप आगे सेलिंग और बाइंग के लिए कर सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को दोस्तों हम कहते हैं प्री पेड इंस्ट्रूमेंट्स तो अगर हम पीपीआई की बात भी करें तो अकॉर्डिंग टू द पीपीआई प्रोवाइडर्स उन्होंने कहा था सरकार से कि केवाईसी कंप्लीट करने के लिए जो केवाईसी इज नो योर कस्टमर जो पूरा एक कंप्लीट आईडी है कंप्लीट सिक्योरिटी करने के लिए दे नीड सिक्स मोर मंथ्स दे हैड टू कंप्लीट द के वाई सी बाई फेवरी ट्वेंटी एट बट दे रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट द आर बी आई कि भाई उन्हें छः महीने का समय और दिया जाए तो दोस्तों वो समय और दिया गया है जस्क्रीन पर दिखा दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको दिखाओ भाई

समय दिया गया है दैट इज एडिशनल सिक्स मोर मंथ 6 महीने और दोस्तों उनको यहां पर दिए गए हैं ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको इस इस पेपर के लास्ट हेडलाइन पे इसी पेपर में और वो उसके नीचे ही है महिंद्रा अनवेल्स ई मोबिलिटी सर्विसेज ग्लाइड अलग-अलग पी जो महिंद्रा है उन्होंने 6 महीने छः uh, महीने जो पुरानी सर्व जो uh, जो uh, उनकी सर्विस है एज इन मोबाइल एज इन कार शेयरिंग की उसको लॉन्च किया है दिस पर्टिकुलर शेयरिंग सर्विस विल इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जिसको कि महिंद्रा ने खुद बनाया है और शुरुआती तौर पर जो महिंद्रा के एम्प्लॉज़ हैं उनको दोस्तों यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा द एम्प्लॉयज़ ऑफ द महिंद्रा कंपनी विल विल यूज़ दिस पर्टिकुलर सर्विस स्क्रीन पर दिखा दें महिंद्रा एंड द ई मोबिलिटी सर्विस ग्लाइड आप ज़रा जूम कर दें यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हैज़ फोर एड इन टू इसको इसको हैज फोर एड इन टू द शेयर्ड मोबलिटी स्पेस बाय स्टार्टिंग ग्लाइड अ प्रीमियम टेक्नोलॉजी बेस्ड ई मोबिटी सर्विस इन मुंबई मुंबई में जो आपकी ई मोबिटी सर्विस है उसके लिए दोस्तों इसको शुरू किया गया है इट विल इनिशियली भी अवेलेबल टू द एम्प्लॉयिज ऑफ महिंद्रा वर्किंग इन द बा्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और आगे चलकर इन्हें हर किसी के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाए हर किसी के लिए इन्हें यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा आश्विन अविनाश ग्लाइड इज द ई मोबिलिटी शेयरिंग सर्विस ऑफ महिंद्रा महिंद्रा इन अ सिंपलर सेंस इट इज अ कैब शेयरिंग सर्विस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा विच विल यूज द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स फॉर एग्जाम्पल देर आर टेन ई वेटोजोज इज बेसिकली अ बेसिकली कार ऑफ महिंद्रा महिंद्रा तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं ई वेटोज की उनको यहां पर लॉन्च किया गया है एंड इनिशियली इनिशियर आर टेन गया आगे चलकर इसे पूरे इंडिया

आंसर विल बी ग्लाइड जी एल वाई डी जो कि एक ई मोबिलिटी सर्विस दोस्तों आपके सामने है वापस स्क्रीन पे आते हैं यहाँ तक अगर कोई डाउट है प्लीज मुझे बता दो अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं बाकी जो लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है याद रखिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद है आज दिन के अंत तक आपको इस वीडियो पे 2000 से अधिक लाइक्स करवाने हैं बिकॉज दैट इज दैट यू कैन शो मी दैट मर्जी आप कैसे भी लाइक like करवाएं चलो तो आगे जरा बढ़ें और ले चलें आपको हमारी अगली खबर पेन्श ऑन पेज नंबर फिफ्टीन जो अगली खबर हमारी है वो पेज नंबर फिफ्टीन पे मैं एंड वो जो खबर आपके सामने आएगी दैट इज दिस पर्टिकुलर खबर मैं सिटी दे हैव डिफीटेड चेल्सी

टीम्स प्ले फॉर दी फॉर दैंपियंस लीग ये सॉरी फॉर द बाकले इंग्लिश प्रीमियर लीग उसके लिए खेलती है, two, uh, पर, uh, Chelsea, जो, जो है उसने हराया है टू बेसिकली विन दीग कप एंड ये आपके सामने हमने मैंशन किया है यह खबर जो है ये पेज नंबर फिफ्टीन पे मैंशनड है जो कि आप पेपर पर पे भी देख पा रहे हैं इसी की जरा वापस स्क्रीन पर आए इसी के नीचे चले और जरा आपको एक और कंटेक्ट करन, फेस की बात करें ये रहा आपके सामने अभिजीत गुप्ते who is a grand master from India he has won the Cannes International Open Chess Tournament and has defeated uh, defeated Pierre uh, defeated peer Luigi of Italy in the ninth and the final round to win this particular title का नाम है अभिजीत गुप्ता इन्होंने दोस्तों जीती है द जीती है द कांस इंटरनेशनल ओपन चेस आ, आफ्टर अ ड्रॉ विद पियर लुइगी इन द फाइनल राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप तो जरा वापस स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये 15 हेडलाइन थी और अब ले चलते हैं आपको हमारी लास्ट हेडलाइन पर जो कि पेज नंबर एटीन पर दोस्तों आपके मैंशन होगी एंड दोस्तों वो जो हेडलाइन है वो ज़रा मैं आपको वो चाहूँगा इमेज दिखाने को बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है तो पहले तो आप इमेज देख लीजिए एक बार देर आर थ्री वेरी विविड इमेजेस गाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑस्कर अवार्ड्स अवार इन लॉस एंजलिस एंड दोस्तों यहां पर फर्स्ट इमेज जो है दैट इज ऑफ पीटर फरेली

ही अलॉन्ग विद अदर्स दे हैव वन इट फॉर द ब्लैक लैंडसमैन उसके लिए इनको मिला है द बेस्ट अडाप्ट स्क्रीन प्ले सो ये तीन अवार्ड्स इनको जरा जूम वन बाई वन कर दें इनको मिला है द बेस्ट बेस्ट पिक्चर अवार्ड एंड द बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले टू पीटर फरेली फॉर द मूवी ग्रीन बुक इनको मिला है एंड अल्न मूवी है एंड स्पाइकली uh, जो कि मैं आपके सामने जूम कर रहा हूँ वेटरन ऑफ ऑस्कर्स इनको मिला है फॉर द बेस्ट अडेप्ट स्क्रीन प्ले फॉर द मूवी ब्लैक क्लैंसमैन ब्लैक क्लैंसमैन के लिए दोस्तों इनको ये अवार्ड मिला है पर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हेडलाइन है वो ये है एट दिस ईयर्स ऑस्कर्स डाइवर्सिटी कम्स अप एज अ बिग विनर हर तबके के चाहे वो ब्लैक हो वाइट हो चाहे वो मैक्सिकन्स हो इजिप्शियंस हो उनको दोस्तों यहाँ पर अवार्ड मिले हैं तो ज़रा अब हम आपको दिखा दें इस इस अवार्ड की हाईलाइट क्या क्या हैं और ये रही आपके सामने अब पीपीटी दिखा दें एंड ये रहा आपके सामने दैट पीपीटी गाइस टी गाइज जो कि स्क्रीन पर आपके आ जाएगा एंड दिस इज द पीपीटी तो दिखा दें पीपीटी को At this year's Oscar, diversity comes up as a big winner. डाइवर्सिटी कम्स अप एज page number 18, इज मैं अठारह पे दोस्तों आपकी ये मैं गई है यहाँ पर मैं discuss करूंगा ka one by one की आपको किन चीजों पर दोस्तों यहाँ पर focus करना है One second, ठीक है फोकस करना है एंड यदि आपके सामने फॉर example जो मूवी ग्रीन बुक है दैट मूवी हैज been awarded uh, the बेस्ट uh, पिक्चर award, इसको मिला है द बेस्ट पिक्चर Uh, ये तीस साल में पहली बार है कि एक बिना किसी होस्ट के आपके ऑस्कर्स किए गए सेकंड, थर्ड रेगिना किंग हैज़ वन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर द मूवी बील स्ट्रीट कुड टॉक एल्फों हु हैज ऑलरेडी वन थ्री ऑस्कर्स बिफोर दिस हैज़ वन द बेस्ट डायरेक्टर फॉर हिज मूवी रोमा Olivia Coleman, uh, who was a first-time nominee at this Oscars, has won the Best Actress for playing uh, uh, Queen Anne in The Favourite. Rami Malek, who is an Egyptian by birth, he's a first-generation uh, uh, American, he has won the Best Actor for playing Freddie Mercury in the blockbuster Queen biopic Bohemian Rhapsody. Spike Lee and three, three fellow have won uh, the Best Adapted Screenplay for Black Landsman. Green Book has won it for Best Original Screenplay. शैलो विच वॉज डू एट संग बाय लेडी गागा एंड ब्राइडली कूपर हैज़ वन इट फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रथ ई काट हैज़ वन इट फॉर बेस्ट कॉन्ट्यूट डिजाइन फॉर ब्लैक पैथ हना बीकलर हैज़ वन इट फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन कैटेगरी अगैन फॉर ब्लैक पैंथर तो पहले जो इलेवन अवार्ड्स हैं वो आपके सामने मैं आपको दिखा सकता हूँ ये इलेवन अवार्ड्स आपको रट्टा मार लेने हैं दर अ टॉप इलेवन अवार्ड्स अगर यहाँ तक क्लियर हो गया प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा वन प्रिया सिंह जी कौन कौन सा अवॉर्ड पढ़ना है वो ये सारे अवार्ड आपको यहां पर पढ़ने हैं जो कि मैं आपके सामने यहां पर मैंशन uh, कर रहा हूं आगे बढ़ें नेक्स्ट अवार्ड्स की बात करें पांच अवार्ड्स और हैं फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल हु वन फॉर द बेस्ट डायरेक्टर ही वन आल्सो फॉर बेस्ट बेस्टोग्राफी फॉर रोमा मेकिंग द फर्स्ट डायरेक्टर टू विन फॉर शूटिंग हिज ओन फिल्म मतलब डायरेक्टर भी, भी थे एंड इनको पहले डायरेक्टर हैं जिनको अपनी फिल्म को शूट करने के लिए बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का अवार्ड भी मिला रोमा ऑल्सो वन द बेस्ट फॉर लैंग्वेज फिल्म तो करीब तीन से चार अवार्ड रोमा को मिले देन फ्री सोलो वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर शॉर्ट फीचर में मिला टू द इंडियन बेस्ड मूवी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस वोहेमर रैप वन फॉर साउंड एडिटिंग एंड साउंड मिक्सिंग ग्रीन बुक के को मिला विथ सपोर्टिंग एक्टर महर्षा अली इनको मिला इनको मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स सपोर्टिंग एक्टर इन इन अ मेल रोल एंड आखिरी में स्पाइडर मैन इन टू द स्पाइडर वर्स को मिला द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फॉर सोनी पिक्चर्स वेल अभी तो मैं इसको बहुत ही बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ आगे चलकर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे पर अगर यहाँ तक क्लियर है आप सबको प्लीज़ कमेंट करते जाइएगा वन या फिर वन स्टार आगे बढ़ते हैं दोस्तों ले चलते हैं आपको हमारी अब अगली खबर पे जो कि ये रहा आपके सामने लेट्स डिस्कस नाउ सम फाइनेंशियल टर्म्स गाइस एंड आज के जो हमारे फाइनेंशियल टर्म्स हैं वो ये रहे आपके सामने मैं डिस्पोरा था आपसे डिस्कस करूंगा इनको फर्स्ट इज़ रेपो रेट सेकेंड इज रे मोटर ट्रांसमिशन थर्ड आपका जो है वो है एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस करते हैं एक रेपो रेट आपका क्या होता है देखिए सबसे पहले रेपो का फुल फॉर्म आपको याद करना है इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज रीपरचेज ऑप्शन That is the full form, guys. Alright, it is the rate at which RBI will provide its surplus funds to the banks up to 90 days. फॉर मैनेजिंग दी मनी सप्लाई सो एक ऐसा रेट जिसपे की आर बी आई लोन प्रोवाइड करती है या सरप्लस देती है बैंक को ताकि की जो मनी सप्लाई उसको मैनेज किया जा सके ऐसे रेट को हम कहते हैं रेपो रेट और इस समय जो रेपो रेट है दैट इज एट सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट अगर ये क्लियर है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा वन बहुत ही सिंपल सा ये दोस्तों रेट है और अगर ये क्लियर है, आपको है प्लीज कमेंट करते रहिएगा वन ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट जो आपका है दोस्तों दैट इज मॉनिटरी ट्रांसमिशन Now, let us discuss what is monetary transmission, guys. It is basically the measure of change in the lending rate of banks in relation. द चेंज इन देंडिंग रेट ऑफ आरबीआई एग्जाम्पल आपको देता हूं दोस्तों जैसे कि आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है उससे पॉइंट टू फाइव परसेंट कम किया ठीक है और इसी के देख, देखा देखी बैंक ने भी जो अपना लैंडिंग रेट है उसे पॉइंट कम किया ठीक है नाउ इफ बोथ आर सिमिलर दिस विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव मॉनिटरी ट्रांसमिशन ऐसे अगर ऐसा एक आपके सामने इवेंट है जहां पर कि जो रेट रेपो का चेंज हुआ वही रेट बैंक का चेंज हुआ यह सेम है या काफ़ी हद तक सिमिलर है दिस विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव मोनिट्री ट्रांसमिशन एक सवाल आया फ्रॉम रेशु कुमारी का कि सर अगर 90 डेज के ऊपर होता है उसके ऊपर होगा तो देन इट विल फॉलो बैंक रेट ठीक है उसके नीचे है तो रेपो रेट इसके ऊपर होगा इट विल फॉलो बैंक रेट यहां तक सबको क्लियर हो गया आई होप आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अगर क्लियर हो गया तो एक बार लिख दीजिए वन या फिर वन स्टार और अगर क्लियर सही में है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एवरी वन हैज़ टू लाइक द वीडियो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी आ, आ, हमारे लास्ट टर्म पे हमारा आज का लास्ट टर्म दोस्तों है दैट इज़ एम चलो एम जो है इसका फुल फॉर्म है this is a full form guys this is a method which has replaced base rate to calculate the lending rate of banks ज बिन एप्लीकेबल सिंस अप्रिल वन ट्वेंटी सिक्सटीन और इसके जो पैरामीटर्स हैं उनमें है सी आर आर ऑपरेटिंग कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एंड फोर्थ टेनर प्रीमियम अभी इसका प्लीज पूछेगा क्या होता है बिकॉज आपको डट्टा मारना है तो ये चार इसके पैरामीटर्स हैं और इसने बेस रेट को रिप्लेस किया है और इससे अब हम जो लैंडिंग रेट्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अप्रैल वन 2016 तब से लेकर इससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं अगर ये 50% भी क्लियर अगर ये आपका 50% भी क्लियर है तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एम होता क्या है एम का फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको ये डिस्कस मैंने आपके सामने कर लिया अगर यहाँ तक क्लियर है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा वन लेट्स नाट प्रोसीड गाइज टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज़ जो कि ये रही अब जो हमारा नेक्स्ट हेडलाइन है दैट विल फोकस ऑन बर्निंग इशूज़ अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही रेलिवेंट कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बर्निंग इशूज़ पर एंड ये रहा आपके सामने हमारा पहला बर्निंग इशू दैट इज द परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट वापस स्क्रीन पे आते हैं एक सवाल मेरा अब आपसे है सबसे कि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी काफ़ी झगड़ा हुआ था देवर सर्टन सर्टन इश्यूज रिगार्डिंग पी आर सी इन अरुणाचल प्रदेश द रीज़न वाई बिकॉज जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ ट्राइब्स को पी आर सी देने की बात कही थी उसको लेकर सम सेक्शंस व नॉट रेडी जिस वजह से झगड़ा हुआ था आपका इन अरुणाचल प्रदेश तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का बर्निंग इशू है दैट इज़ परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट वायलेंस हेज़ इरप्टेड इन अरुणाचल प्रदेश ओवर द इशू ऑफ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिखा दो भाई स्क्रीन पे टू सिक्स नॉन अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब्स लिविंग इन द नामसाई एंड चांगला डिस्ट्रिक्ट एंड टू द गोरखास लिविंग इन विजयनगर तो कुछ एरियाज में जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं Uh, उनको पी आर सी देने की बात कही गई थी सो दैट दे कैन बाय प्रॉपर्टी दे कैन अवेल फॉर राशन इन द स्टेट उसको लेकर झगड़ा हुआ है द प्रोटेस्ट स्प्रेड डिस्पाइट द स्टेट गवर्नमेंट एश्योरेंस कि भाई इन्हें पी आर सी नहीं दिया जाएगा या उस प्लान को अभी डिले किया गया है बट स्टिल द प्रोटेस्ट जो थे वो आपके स्प्रेड हुए एंड uh, वो वो एक टाइम तक चलते रहे तो सवाल यहां बनेगा कि वट डू वी अंडरस्टैंड बाय पी अगर एक पी है तो इसका दोस्तों मतलब क्या है देखिए Uh, the state government of Arunachal has issued domicile certificate otherwise called as permanent resident certificate to the residents of the state who have stayed in the state for a period. Ek samay tak jo, uh, us, uh, jo Arunachal mein log rahe hai, उनको एक उस प्रदेश का domicile देने के लिए उस प्रदेश का एक एक पहचान देने के लिए they had introduced PRC. ठीक है

ना लेने के लिए एक बवाल मचा था अरुणाचल में इसका हिंदी था आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे है आप आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार अधिवास प्रमाण पत्र जारी करती है अन्यथा राज्य के निवासियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र को भी वो जारी कर सकती है ताकि वो एक समय के लिए वहाँ पर रह सकें सो दैट दे कैन स्टे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल तो इसको लेकर एक इशू आपका हुआ था अगर ये दोस्तों फिफ्टी क्लियर है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा वन एंड आल अगेन रिपीट मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ पसंद आ जा रहा है तो भाई लाइक करते रहना है चलिए नेक्स्ट बर्निंग इशू जो हमारा है That इज रिगार्डिंग ई वी एम्स वापस स्क्रीन पर आते हैं देखिए एक सवाल बार बार आता है कि इफ आई वॉन्ट टू नो द इंफॉर्मेशन ऑफ ई वी एम वुड आई गेट इट अगर मुझे ई वी एम के ऊपर अपने वोट के ऊपर जानकारी चाहिए क्या मुझे जानकारी मिल सकती है तो उसका आंसर है यस अकॉर्डिंग टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज इन्फॉर्मेशन अंडर दर टी आई एक्ट एंड इट कैन बी डिमांडेड बाय एन एप्लीकेट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन अ पेमेंट ऑफ रुपीज टेन बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिगार्डिंग एंड इसके लिए यू हैव टू डिमांड एन एप्लीकेशन डिमांड इट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन एंड उसके लिए यू हैव टू पेज इसका मतलब यह भी है कि जो भी आर टी है एप्लीकेशन है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उसके ऊपर रिप्लाई करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को एंड अगर रिफ्यूज करता है तो उन्हें इसका एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों देना पड़ेगा तो मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर दूं आल अगैन रिपीट एवरी वन डेट एनी वन हुवर टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ईवीएम दे कैन गेट इट ऐसा मैंने कह रहा ऐसा आपका आर टी यहाँ पर कह रहा है कि दस रुपए देकर आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं ये हमारा सेकंड बर्निंग इशू था अब आते हैं हमारे आज के लास्ट बर्निंग इशू पे काइज एंड ये एग्जाम में आएगा स्पेशली बैंकिंग में एंड दैट इज पी सी वॉट इज पी सी आर फर्स्ट ऑफ ऑल का इज पी सी आर का जो फुल फॉर्म है दैट इज पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री दैट इज़ द फुल फॉर्म काइज ऑफ पी सी आर पी सी आर अगर हम बात करें तो इट इज़ एक अंग्रेजी वर्ड है एंड दैट इज़ अ वर्ड जो कि आपको याद करना पड़ेगा पी सी आर इज़ बेसिकली अ सेंट्रल डिपॉजिटरी मतलब इट इज एन ऑनलाइन डेटा बेस ये क्या है ये आपकी एक सेंट्रल uh, रिपोजिटरी है या फिर ये आपकी एक ऑनलाइन डेटा बेस है ना वट डू वी अंडरस्टैंड बाय एन ऑनलाइन डेटा बेस का मतलब ये है कि इट विल कैप्चर एंड सर्टिफाई डिटेल्स ऑफ द बोरवर्स मतलब एक तरह से इट विल बी अ कंप्लीट बायोडाटा ऑफ द बोरवर्स फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक को लेंड करना है किसी कस्टमर uh, को तो वो अगर पीसीआर उसको अलाउड है अगर पीसीआर अवेलेबल है Then it can check for the financial status of the borrower and usko check for the particular borrower. Ko ek rate per loan. De sakta hai. I'll again repeat, guys, everyone that PCR is basically a central repository or an online database that has complete information about the borrowers uh, in our country. इन्फॉर्मेशन के इज टेकन फ्रॉम आर बी आई फ्रॉम से बी अदर रेगुलेटर्स एंड इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें कभी लेंड करना अगर बैंक्स को कभी लेंड करना है तो वो पूरी जानकारी के बाद उन्हें लेंड कर सकता है इससे एडवांटेज उनको है जो गुड बॉलोअर्स हैं ऐसे लोग जिन्होंने कभी एन नहीं किया है जिन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पे हमेशा टाइम पे पे किया है उन सबके लिए फ़ायदे की बात है एंड इसके लिए जो कमिटी कंसर्न उस कमिटी का नाम है वाई एम देवस्थली कमिटी जो कि इस इस पर्टिकुलर इशू uh, पे इस पर्टिकुलर रजिस्ट्री uh, किया एक हाई लेवल टास्क फोर्स इसका नाम है द वाई एम देवस्थली कमिटी तो यहाँ पर तीन सवाल बनेंगे सवाल पहला बनेगा वॉट इज पी सी आर सेकेंड सवाल बनेगा आपका दैट इज वॉट दैट इज का दैट इज पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री एंड थर्ड क्वेश्चन बनेगा विच इज हिंदी भी अब आपके सामने पे आ जाएगा ये रहा आपका इसके सामने हिंदी बाप रे बापरेप ग्रासू गया सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस फुल फॉर्म है रजत पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ऑल राइट विद दिस विल कम टू एन एंड गाइज थैंक यू सो मच गाइज अभी तक पास सो लाइक हो गए हैं अच्छी बात है एंड लाइक रहिए एंड अब मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह आठ बजे एंड एक ही आपसे सवाल मेरा है और ये सवाल का जवाब को देना कमेंट सेक्शन में यू यू हैव टू टेल मी इन द द कमेंट सेक्शन डू लाइक हिंदू शो आप द हिंदू शो को पसंद क्यों करते हैं जितने भी करीब 800 लोग हैं आप 800 के 800 लोग कमेंट कर दीजिएगा कि वाई डू यू लाइक द हिंदू शो आप हिंदू शो को पसंद क्यों करते हैं इसका आप कमेंट कर दीजिए एंड बाकी जो पसंद करते हैं वो लाइक बिल्कुल शो को करें थैंक यू सो मच गाइज आपका यहां पर आने के लिए जिनको इसका पीडीएफ चाहिए तो पहले तो मैं ये करूंगा कि आई प्रोवाइड तब तक हम जरा स्टोर खोल दें तब तक मैं आपको uh, इसका पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर देता हूं वन सेकेंड इसका पीडीएफ लिंक अवेलेबल है इस पर्टिकुलर यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल राइट सो थैंक यू सो मच आने के लिए एक बार स्टोर खोल चुके हैं स्टोर पे हाँ एक मेरा बैच आने वाला है दोस्तों जो कि आने वाला है फिफ्टीन ऑफ मार्च को दैट बैच इज़ बी अ बैंकिंग मास्टर एंड आज और कल आप उसको अवेल कर सकते हैं बिकॉज़ आज और कल उसी बैच पर और सारे लाइव बैचेस पर ट्वेंटी फाइव परसेंट का ऑफ है So, if you want to join my banking master batch, that is BBM batch, you can join that by, uh, by purchasing it today from storeada 247com And now, is very important because by using PREP25, PREP25, you can get a discount 25% on, on all the live classes, on all the video courses, on all the test series, on all the ebooks, and all the, all the publications. And here is my batch, which is third number. द बच इज टू फोर नाइन पर अगर आप चाहें तो यू कैन बाय द बच एट एट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट बाई यूजिंग प्रेप ट्वेंटी फाइव ऑल राइट सो थैंक यू सो मच गाइज आपका यहाँ पर आने के लिए एंड आपसे मिलता हूँ अब मैं कल बब बाई गाइज टेक केयर एंड पीस आउट मैं कल से क्विज को भी एडअप कर दूंगा बब बाई गाइज टेक केयर एंड पीस आउट